दोस्तों आपको तो पता ही है, होली का एक नाम है रंगों का त्योहार और दूसरा है गुजिया। और होली पर अगर गुजिया ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी गुजिया। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ 60 ग्राम के करीब देसी घी। और इस देसी घी को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। दोस्तों घी को आटे में अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे कि इसका थोड़ा सा भाग भी घी के बगैर ना रह जाए। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने की भी यहाँ पर एक टेक्निक है कि पानी को हमें एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा कर कर पानी इसमें डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 1 कप पानी लिया है और उसका पहले आधा भाग डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसमें फिर और पानी ऐड करूँगी। आटे को हमें टाइट गूंदना है और गूंदने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देना है। अब हम गुजिए के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने पैन में 2 चम्मच देसी घी लिया है। इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू बादाम लिए हैं। इनको हल्का हल्का लो फ्लेम पर भूनना है, गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं रखना। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश, इसको भी हल्का सा भूनना है और भूनने के बाद इसको जल्दी से बाहर निकाल लेना है ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए। अब हम इसी घी में थोड़ा सा नारियल का बुरादा लेकर उसको भी लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। अब हम डालेंगे आधी कटोरी सूजी और इसको भी हल्का हल्का भून लेंगे। इसको भी लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। सूजी का रंग जब हल्का सा चेंज हो जाए तो उसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम लेंगे मावा, यहाँ पर मैंने आधी कटोरी मावा लिया है। इसको भी हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें गरम गरम में ही हम बाकी सब चीज़ें ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है नारियल का बुरादा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं सूजी, सूजी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें आधी कटोरी पाउडर शुगर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उनको दरदरा सा पीस लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट को भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। गुजिया का हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम आटा ले लेंगे, आटे को एक बार थोड़ा सा और गूंद लेंगे। डो को अब हम 3 भाग में काट लेंगे और इसको काटने के बाद हम इसको सिलेंडर की शेप में रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे। सारी डो की हम इसी तरह लोई तैयार कर लेंगे ताकि इसको बेलने में आसानी हो। सारी लोई तैयार हो गई हैं। अब लोई को लेकर हाथ के किनारे से थोड़ा दबाएंगे और उसको बेलने से बेलते जाएंगे। इसको सूखा आटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उठा उठा कर ऐसे ही बेलते जाएंगे। इसी तरह सारी पूड़ी की शेप में बेल लेंगे। इनको हमें ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा करना है, क्योंकि ज़्यादा पतला करने से गुजिया जो है फूल जाएगा और अगर मोटा कर देंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। सारी लोइयों को बेलने के बाद हम एक मोल्ड लेंगे।
गुजिया का मोड़ लेंगे और उस पर हम जो पूड़ी बनाई उसको रखेंगे और किनारों पर हल्का सा पानी लगाएंगे और बीच में मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और बाहर से जो साइड से जो बचा हुआ आटा होगा वो निकल जाएगा, उसको हाथ से ऐसे निकाल देंगे। गुजी का मिक्सचर जो है हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच भर कर ही बस डालेंगे, नहीं तो ये हमारा गुजिया फट जाएगा। इसको हम ध्यान से बाहर निकाल लेंगे, ऐसे ही सारे गुजिये हम तैयार कर कर रख लेंगे। गुजिया को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर गरम गरम तिल का तेल लिया है। तेल को अच्छे से गरम करने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि गुजिया को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जितने गुजिया आ सकते हैं उतने ही डाल देंगे, बीच में हम जगह को खाली नहीं छोड़ेंगे। गुजिया को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गुजिया को पलटने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि एक दो गुजियों का पेट निकल आया है। फ्रेंड, जो गुजिया की पूड़ी है उसको ज़्यादा पतला ना करें, इसलिए ताकि इसका पेट ना निकल आए। तो फ्रेंड्स, हमारे सभी गुजिया बनकर तैयार हो रहे हैं, इनको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। ये गुजिया देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी उतने टेस्टी हैं। ये गुजिया बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी बने हैं, क्योंकि इनको हमने चाशनी में नहीं डाला है, इसके बीच हमने पाउडर शुगर डाली है, इसलिए ज़्यादा मीठे भी नहीं हैं। इसलिए हमें घर पर ही ऐसे गुजिया बनाकर तैयार करने चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।